महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों की पुलिस मुठभेड़। इस वक्त की बड़ी खबर ललितपुर जिले से आ रही है, जहां जिले के तालबेड़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुनोरी के पास एक महिला का पर्स छीनकर भाग रहे दो बदमाशों से थाना तालबेड़ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और तत्काल उन्हें तालबेड़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने ललितपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही ललितपुर के जिला चिकित्सालय स्थित इमरजेंसी के बाहर काफी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, तो वहीं पुलिस मुठभेड़ की घटना की जानकारी लगते ही मीडिया का भी जमावड़ा लग गया। दोनों घायल बदमाशों के जिला चिकित्सालय पहुंचते ही उन्हें भर्ती कर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इलाज शुरू किया गया। ये दोनों बदमाश झांसी जिले के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं तथा इन पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। इस पुलिस मुठभेड़ की घटना को लेकर ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक का क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, एक महिला के द्वारा जो है सूचना दी गई थी कि वो झांसी से तालभेड़ की तरफ आ रही थी, तो जो झरर घाट है वहाँ पे दो बाइक सवार थे जो अपाचे बाइक पे बैठे हुए थे, उनके द्वारा महिला का पर्स जो है वो छीन लिया गया था। जैसे ही महिला के द्वारा ये सूचना दी गई थी, तत्काल पूरा एरिया को, बॉर्डर को जो है सील कर दिया गया था और सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाई गई। उसी चेकिंग अभियान में जो है व्हाइट कलर की जो अपाचे जो महिला के द्वारा बताया गया था उसको जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया और फिर उसको जब हमारी पुलिस टीम के द्वारा जो है रोका गया, तो उनके द्वारा जो है न रुक करके पुलिस से टीम के ऊपर फायर करके वो लोग भागने का प्रयास किए। जवाबी जो कार्रवाई थी उसमें जो दो व्यक्ति हैं उन दोनों को गोली लगी है और उसमें जो है उनको तत्काल जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल जो है वो लाया गया है। जो इनसे इनिशियल जो पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि ये दोनों जो है ये शातिर लुटेरे भी हैं, गैंगस्टर भी हैं, झांसी के प्रेमनगर के रहने वाले हैं और इनके द्वारा जो है ये घटना जो है आज कारित की गई थी। तो इसमें दो घंटे के अंदर में ललितपुर पुलिस के द्वारा जो है इन दोनों अभियुक्तों से सारा माल जो है वो बरामद किया गया है और साथ ही इनको जो है अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। इनके पास से महिला का जो लूटा हुआ पर्स था, उसका मोबाइल फ़ोन था और वो बरामद हुआ है। व्हाइट कलर की जो अपाचे गाड़ी है वो बरामद हुई है और साथ ही इनके पास से दो तमंचे जो है वो भी बरामद हुए हैं। इसमें हमारे जो वहाँ पे जो सिपाही और जो दरोगा थे उनके द्वारा जो चेकिंग में लगे हुए थे उनके द्वारा बड़ा अच्छा काम किया गया है, तो उनको जो है अलग से 25,000 का नगद इनाम जो है वो भी मेरे तरफ से उनको दिया गया है। सर, आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा इनकाउंटर जनपद के इतिहास में 7 इनकाउंटर आपने किए हैं, क्या देखिए इसमें पुलिस के ऊपर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी यदि पुलिस के ऊपर फायर करता है तो उसमें जवाबी कार्रवाई जो है वो निश्चित रूप से पुलिस से उसमें करेगी और कोई भी अपराधी जो है अपराध करेगा तो उसमें अपराध के प्रति जो है जीरो टॉलरेंस है पूरे यूपी पुलिस का है। उसमें हम लोग अपराधियों के साथ जो है जो भी गलत करता है और पुलिस के ऊपर फायर करेगा उसके खिलाफ जो है कठोरतम कार्रवाई जो है वो हम लोग अभी भी किए हैं और आगे भी इस चीज को हम लोग जारी रखेंगे। पुलिस टीम पे कोई घायल है नहीं है उसमें? नहीं, नहीं। इनका जो है कई इनका क्रिमिनल हिस्ट्री है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर जो है गैंगस्टर भी झांसी से हुआ है और इनके ऊपर लूट के भी मामले हैं, चोरी के भी मामले हैं, कई मामले हैं। इनका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो हम लोग निकलवा रहे हैं और उसके आधार पे इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई जो है वो प्रचलित है। थैंक यू।